देख रहे हो तो पैसे नहीं ना लग रहे, देख 17,95,000 रुपए का 17 लाख रुपए की गड्डी ला के सरकार पूरे लाएंगे आज चलिए। ये क्या है, ये चाहिए या नहीं चाहिए, कर दे इसको कैंसिल कर दे। और इसमें उसकी रिक्वायरमेंट है 7900 का। जी तो अस्सलाम वालेकुम, ये व्लॉग अंधेरे में स्टार्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि रात नहीं है, सुबह के 8:40 हो रहे हैं। लाइट क्यों नहीं है, आज है मंडे, सो मंडे को होता है परमिट, और हमारे घर का यूपीएस अभी हमने नया ही लगवाया था बैटरी और यूपीएस, उसमें कोई फॉल्ट हो गया तो वो 3 दिन से बनने गया हुआ है, रेडी हो गए हैं। आज मैंने ब्लैक ड्रेस वेयर कर लिया कॉटन का, परफ्यूम भी अंधेरे में लगाएंगे, मैं इसी तरह लगाता हूँ। ये वाले मोबाइल की हम लाइट बंद करके इसको ऐसे जेब में, और ये हम साथ लेके जाएंगे इधर, और मैंने अपने शूज़ भी निकाल लिए हैं। बाबा अस्सलाम वालेकुम। अंधेरा अंधेरा नजर नहीं यार, आपने किस कलर का ड्रेस पहना हुआ है, अभी बाहर जाके नजर आएगा। ये मैंने तुक लगा के साफ नहीं करी और साहब ने आज व्लॉग शुरू किया, मैं देखो क्या बनता है। हाँ जी बाबा, लगा ले धूप है, काला हो जाएगा, काला सूट पहन लिया, काला हो जाएगा। आपको भी देते हैं, आजो आजो बाजी, एक मिनट यार, आजो आप ही आ जाएं, आओ आओ बहन, ये लो। और आज हम आए हैं स्पोर्टिज पे, और अभी रुके हैं हम नाश्ता करने, अंदर चल के बैठते हैं। चने चने और पाए आ गए, नान नहीं आए। जीपी व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, उससे जीपी छोड़ देती है, वो केड़ी कर कितनी है बिजनेस है, ये नहीं ना सरकार यदि शादी बिजनेस ठीक है, शादी भी ठीक है, बिजनेस शादी यदि है ना। और हमारे नान भी आ चुके हैं, और अब हम नाश्ता स्टार्ट करेंगे, और अभी हम रुके हैं पेट्रोल फुल करवाने, सरकार फुल करा ली है ना, फुल करवा लेंगे इसको हम। सो इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में, और हम आए हुए हैं किचन एसेसरीज परचेज करने के लिए, और अब देखते हैं बाबा को क्या क्या पसंद आता है। बहुत से आइटम्स हैं, बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, बहुत से क्या कहते हैं उसको चीज़ें हैं, अब उनमें से देखना है, सेलेक्ट करना है, बहुत मुश्किल है, और रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो अब देखते हैं क्या बनता है। जी बाबा जी, कुछ आया समझ, देख रहे हैं। आई थिंक ये ब्लैक वाला ज़्यादा प्यारा है, ये ऑलरेडी हमारे पास लगी हुई है एक्सेसरीज, वो नीचे हॉल में लगी हुई है, हमारे वाली ना वहीं आ, ये नीचे तक आ जाता है ना बाबा, सामने तक आ जाता है। सही किया। इस टाइम हम आ चुके हैं आबिद मार्केट, आबिद मार्केट में हमने देखना है एसी चिलर, और हमने फ्रिज देखना है बाबा के स्कूटियों के लिए। सो अभी चलते हैं, और दो चार चीज़ें हैं वो डन करते हैं। यहाँ पे बैस स्टार्ट हो चुकी है, मुझे जो पर्सनली तौर पे पसंद है, मुझे पर्सनली तौर पे ये वाला जो चिलर है वो पसंद है, इस शेप में जिसको कैप्सूल कहा जाता है, ये मुझे नहीं पसंद जिसको कैबिनेट कहा जाता है, क्योंकि ये देख देख के हर जगह रेस्टोरेंट में, मार्केट में, शादी हॉल्स में, ये देख देख के मैं थक चुका हूँ। बाबा कहते हैं जी यही वाला लेना है, बाबा इसी पे अड़े हुए हैं, बट मैं कहता हूँ बाबा नहीं, तो हम ये वाला लें। और अब आपने बताना है कि हमें कैप्सूल लेना चाहिए या हमें ब्रैकेट, इसको क्या कैबिनेट, कैबिनेट लेना चाहिए। मुझे तो ये वाला पसंद है भाई, ये वाला, ये अच्छा लगेगा किचन में इंशाल्लाह। आबिद मार्केट से हम लोग वापस आ गए, हमें वहाँ पे किसी चीज़ की समझ नहीं आई, ना फ्रिज की ना ही चिलर की, क्योंकि उनके रेट्स ही मुख्तलिफ हैं, तो हमने यही सोचा कि हम आउटलेट पे जाके ही देख लेंगे, वो अब हम पैकेजेस जाएंगे या इंपोरियम जाएंगे। सो अभी हम इछरा आ गए हैं, और यहाँ पे फिर से परचेजिंग चल रही है एक्सेसरी की, जो बाबा की किचन में एक्सेसरी लगनी है। अब बाहर के लिए भी हमें चीज़ें चाहिए, और एक्सेसरी हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए, एक्सेसरी तो लग जाएगी। ये ले ले ग्लासेस के लिए, साथ दोनों तरफ अटैच के लिए, यानी ग्लासेस, फिर बाबा बच्चे ये सीधा भी लग सकता है, ये वाला बेस्ट है, ये सेट में रहा है, कुछ म्यूजिक बॉक्स लगा है, सेंटर वाला 7900 का, ये कर दे मैम, ये लिख ले।
एक ये वाला भी करा लो। हमने अपने बार सेटअप के लिए दो प्यारे क्यूट से स्टूल भी लेने हैं, तो अब हम देखेंगे जो बाबा को पसंद आएंगे हमने वो लेने हैं। प्यारा है ये वाला वैसे, लेकिन ये नीचे से बहुत खुला है। क्या प्राइस है मैम इसकी? जगह कम है। 27,500। ये भी अच्छा ऑप्शन है, वो वाला भी अच्छा ऑप्शन है। एक ये वाला हो गया। ओके उसके बाद मैम एक ये वाला हो गया, ये दो ये हो गए 18 इंच वाले, और दो हो गए हमारे 22 इंच वाले। हाँ जी। ये हमने नहीं किया, एक ही है। ये चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक है, कैंसिल कर दिया। इसको कैंसिल कर दिया। और इसके अलावा मैम क्या हो गया हमारा? यहाँ पे ये है और ये दो चीज़ें, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मैं वो ले रहा था, ये तो डबल वाली है, ये वाली ज़्यादा क्वालिटी का है। ठीक है, ये ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, और ये और एक वो जो बाल है जी, अरे वो हो गया, एक ये वाला तो लेट्स वाला तो कैंसिल हो गया। इसमें काफी वैरायटी है, इसमें यही स्टाइल है, लेकिन तो ये सिंगल है। सुबह से आए हुए हैं और चीज़ें देख के अब थक गए हैं। अब हम यहाँ से चीज़ें फाइनल करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम और जो हमें फ्रिज और चिल्लर लेना है वो हम जाके मॉल से ही परचेज कर लेंगे। आप महंगाई का अंदाज़ा लगाएं, ये एक अदद मूर्ति 19,500 रुपये की है, और ये एक अदद इंसान 9,500 का। ये मुझे पसंद है, किचन में पीछे बैक साइड। क्या प्राइस है इसकी? ये है 48,000 का पीस। कितने का? 48,000 का। कितने का? 48,000 का। नहीं लेना, ठीक लेना मैंने। देखने में तो पैसे नहीं ना लग रहे, देख। ये अच्छी चीज है, ये कितने का है? ये है 28,500 का। कितने लेके पापा को? अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लेना। जो चीजें महंगी हैं वो नहीं लेनी, बजट फ्रेंडली लेंगे और अच्छी है, बजट फ्रेंडली भी अच्छी भी है। एसेसरी जो है वो हमारी डन हो चुकी है, बिल शिल क्लियर हो गया है, एसेसरी हमारी सारी बाहर आ चुकी है। ये सर मुकम्मल फिटिंग हमारे साथ, वही चैनल पीछे लगे हुए। चलो पकड़ो, एक बॉक्स हमारा जो है वो पीछे नहीं आया डिग्गी में, तो हमने जो है ना वो इसको यहाँ पे रख लिया है सीटों पे। और इस टाइम हम आ चुके हैं बरकत मार्केट खाना खाने के लिए, तो अब चलते हैं खाना खाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ चुका है रायता सैलेड, साथ में बन्नू बीफ पुलाव इधर भी, और साथ में चपली कबाब। और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं पैकेजेस मॉल। हम आए तो स्पोर्टेज पे थे, लेकिन कार्निवल रेड रॉक हमारा वेट कर रही थी। सॉरी ये हमारी नहीं है, बट अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और इस टाइम हम पैकेजेस मॉल में जो अंदर आउटलेट बनी हुई है ग्री की या हायर की, हम वहाँ पे इस टाइम आ चुके हैं, क्योंकि बाहर से हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया ना रेट की ना चीज़ों की। सो इनके रेट फिक्स होते हैं, तो हम यहाँ से पता करेंगे कि हमें हमारे मतलब की चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती। भाई अभी पता कर रहे हैं, और बाबा और शान भाई उधर हैं। पैकेजेस मॉल से भी हमारा मसला हल नहीं हुआ, और अब हम आ चुके हैं गोल्ड क्रस्ट शॉपिंग मॉल, और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई हमारे मतलब की चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही। कितने का ये? 2,00,000। ये अल्लाह ये 19,500 का है कि 1,95,000 का?
195,000 का टिशू बॉक्स 70,000 रुपये का। शान कह रहा 1,19 का। चलें वापस भाई, ये वाला इसका रेट देख लेते हैं, ये सस्ता ही लग रहा होगा मुझे। हाँ ये है 17,95,000 रुपये का। एक गड्डी पा ली सरकार और लै के रेंट ते। जी अल्हम्दुलिल्लाह घर हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे आ गई हमारी माशाल्लाह से सारी एक्सेसरी, और जो हमारा दूसरा काम था फ्रिज और एसी वाला वो हमारा नहीं हुआ। हम पैकेजेस मॉल भी गए, हम गोल्डन मॉल है वहाँ पे भी गए, लोकल मार्केट भी फिरी, आबिद मार्केट भी फिरी, लेकिन हमारा वो वाला काम नहीं हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा कि वो हमने उसका फिर क्या हल करना है। सो ये वाला सामान यहाँ पर आ गया, गुड हो गया माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? अम्मी जान कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपका छोटा शेर घर आ गया? अच्छा, हम एक्सेसरी सारी ले आए हैं लेकिन दूसरा काम नहीं हुआ, फ्रिज और वो वाला। फ्रिज ऑन पे चल रहे हैं, फ्रिज ऑन पे चल रहे हैं, जो उनका मार्केट रेट है, वो मार्केट रेट कह रहा हूँ, जो उनका ऑफिशियल रेट है ना कंपनी का ग्री का, वो 4,00,000 का है। और जो है चिल्लर, सॉरी चिल्लर जो कैबिनेट या कैप्सूल जिसे कहते हैं लोकल जबान में, वो 4,00,000 है कंपनी का। लेकिन अगर आपने बाहर से लेना, कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, तो बाहर से वो आपको मिलेगा 6,25,000 रुपये का, यानी 2,25,000 रुपये ओन आपको वो ओन लेके जो है वो आपको वो फिर मिल जाएगा। कोई मुसीबत नहीं पड़ी हुई, हम लेते ही नहीं। हाँ बस ये ठीक है, ये देसी मोमोज का ये ठीक है, हम लेते ही नहीं, लेते नहीं। मम्मा बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। हाँ जी, मैंने क्या किया? बस आप थोड़े से फिर खर्चा पानी लेंगे ना, यूं कह के हम। अच्छा, मेरे पास हाँ जी खर्चा पानी का है, पापू के पास है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए, मम्मा को देख लिया, देन एवरीथिंग इज गुड। और अब हम चलेंगे अपने रूम में। वाह, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। अभी फ्रेश होता हूँ, चेंज करता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। आपको किचन की न्यू अपडेट्स मिल रही हैं और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हाँ जी, कि नया किचन जब बन जाएगा तो कैसा लगेगा और उसमें क्या क्या एक्सेसरीज होने वाली हैं और क्या क्या न्यू और टेक्निकल और मॉडर्न होने वाला है, यूनिक होने वाला है। सो आई थिंक आप सब एक्साइटेड होंगे न्यू किचन की अपडेट्स के लिए। तो अगर आप सब एक्साइटेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाबा के स्टूडियो के न्यू अपडेट्स आपको मिलते हैं। ना कर, की लग गया तेरे पैरां चे। सॉरी। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। कपड़ों में